हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं एवो दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एम्फी सेंटर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, और जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 संधारित्र एवं परावैद्युत के क्वेश्चन नंबर 46 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अब इस वीडियो में हमें 46 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका कह रहा है कि 0.2 माइक्रोफेरड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफेरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक संधारित्र है और इस संधारित्र की जो धारिता है वह 0.2 माइक्रोफेरड है। इस संधारित्र को 600 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जा रहा है। ठीक है, यह जो संधारित्र है इसको 600 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जा रहा है। आवेशित करने के बाद इस बैटरी को हटा लिया जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, यह जो संधारित्र था इसको 600 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया। आवेशित हो जाने के बाद इसको हमने हटा लिया। हटाने के बाद इसी से, ये जो आपका संधारित्र है इसी से समांतर क्रम में हमने एक और संधारित्र लगा दिया जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेरड है। जिसकी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफेरड। अब हमें बताना है जब इसके समांतर हमने ये वाला संधारित्र लगाया तो जो विभव है वह बदलकर कितना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप बताइए, हमने क्या किया था, इस संधारित्र को 600 वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके आवेशित किया। आवेशित हो जाने के बाद बैटरी को हटा लिया, यानी कि इस पर जो आवेश है वह नियत है, बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना आवेश हमें इसको देना था हमने दे दिया है। अब देने के बाद बैटरी को हटा लिया है। जब बैटरी हट गई है तो इसको आवेश देने वाला कोई नहीं है, यानी कि इसके पास जो आवेश है अब वह क्या है, नियत है। ठीक है, वही हम लोग चेक कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि 0.2 माइक्रोफेरड के संधारित्र पर आवेश। ठीक है, देखिए जो आवेश होगा वह क्या होगा, नियत होगा। क्यों नियत होगा, क्योंकि हमने बैटरी को हटा लिया है। बैटरी हटा लिया है तो आवेश देने वाला कोई नहीं है। कितना आवेश है इसके पास वही हम लोग चेक करते हैं। तो आवेश Q बराबर क्या होता है, C इंटू भी। यहाँ से Q बराबर हो जाएगा, C मतलब धारिता। धारिता कितना दिया है, 0.2 माइक्रोफेरड। 0.2 माइक्रोफेरड को फेरड में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से गुणा। भी मतलब विभव, कितने विभव पे हमने आवेशित किया था, 600 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 600 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6, यहाँ से देखिए 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 के घाते -6 कूलाम, या फिर हमको ऐसे भी लिख सकते हैं 120 माइक्रो कूलाम, या फिर यहीं तक हम लोग छोड़ देते हैं। जो आवेश है इस वाले संधारित्र पर कितना है, 120 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम। अब देखिए क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, नया वाला विभव कितना होगा। सबसे पहले इन दोनों की तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। ठीक है, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, देखिए दोनों संधारित्र जो हैं वह किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालने का जो फार्मूला होता है, C इज इक्वल टू C1 + C2 होता है। ठीक है, C1 मतलब पहला, पहला कितना है, 0.2। दूसरा, दूसरा मतलब 1 माइक्रोफेरड, यानी कि जो तुल्य धारिता C है वह 1.2 माइक्रोफेरड है। ठीक है, तुल्य धारिता कितनी आ गई, 1.2 माइक्रोफेरड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विभव, नया वाला विभव या परिणामी विभव। तो परिणामी विभव आपका हो जाएगा, विभव क्या होता है, आवेश बटे धारिता। ठीक है, आवेश के बटे धारिता। आवेश कितना है, अभी अभी हमने निकाला, आवेश का मान कितना है बताइए,
आवेश का मान यहाँ पे हमने निकाला है 120 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम हो जाएगा, बटे धारिता, धारिता कितना है 1.2 गुणे, यहाँ पे देखिए माइक्रोफेरड है, इसको फेरड में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से गुणा हो जाएगा, ये 10 के घाते -6 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अभी इधर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से 0.2 अंक बाएं साइड ला रहे हैं, ये 120 है, 120 से 0.2 अंक बाएं साइड, यानी एक यहाँ से यहाँ ला रहे, तो इसको 1.2 लिखेंगे। जब 0.2 बाएं साइड आता है तो 10 की घात में +2 होता है, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 1.2, 1.2 1.2 से कैंसिल, यानी जो परिणामी विभव आ रहा है, परिणामी विभव वह कितना आ रहा है 10 के घाते 2, 10 के घाते 2 का मतलब 100, ठीक है 100 वोल्ट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 20 माइक्रोफेरड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफेरड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक आपका C1 कोई संधारित्र है और इस संधारित्र का जो धारिता है वह 20 माइक्रोफेरड है, इस वाले संधारित्र को 500 वोल्ट पर आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। एक और दूसरा संधारित्र है मान लिया C2, उसकी जो धारिता है वह 10 माइक्रोफेरड है और इस C2 को यानी दूसरे वाले संधारित्र को 200 वोल्ट पर हम लोग आवेशित कर रहे हैं, पूछ रहा है उभयनिष्ठ विभव बताइए, कॉमन पोटेंशियल। उभयनिष्ठ विभव निकालने का हमने एक फार्मूला पढ़ा है, उभयनिष्ठ विभव कैसे निकाला जाता है, उभयनिष्ठ विभव निकालने का हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वह फार्मूला है क्या है बताइए, कुल आवेश बटे कुल धारिता, यही फार्मूला हमने पढ़ा है ना उभयनिष्ठ विभव निकालने का, कुल आवेश बटे कुल धारिता। हमने मान लिया जो उभयनिष्ठ विभव है, हमने क्या माना उभयनिष्ठ विभव का मान V है, ठीक है, कुल आवेश मतलब Q1 प्लस Q2, Q1 है पहले संधारित्र पर आवेश, Q2 है दूसरे संधारित्र पर आवेश, बटे कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगा। Q1 और Q2 का मान हमें नहीं पता है तो C1 V1 कर देते हैं, C2 V2 कर देते हैं, Q बराबर होता है C भी पहले संधारित्र पर निकाल रहे हैं तो C1 V1 दूसरे पर निकालेंगे तो C2 V2 बटे कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। यहाँ से V' = हो जाएगा C1 का मान यहाँ से रखते हैं 20 माइक्रोफेरड, 20 माइक्रोफेरड को फेरड में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से उड़ा, V1 500 है 500 कर दिया, प्लस C2 का मान यहाँ से निकालेंगे 10 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड को फेरड में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से उड़ा, V2 का मान कितना है 200, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा C1 का मान कितना है 20 माइक्रोफेरड यानी कि 20 गुणे 10 के घाते -6 फेरड, C2 का मान 10 माइक्रोफेरड यानी 10 गुणे 10 के घाते -6 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे उभयनिष्ठ विभव का मान आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए 20 का गुणा 500 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 100 और यहाँ से 20, उसके बाद ये 10 के घाते -6 रहेगा ही रहेगा, रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए 10 का गुणा 200 में होगा तो 2000 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका प्लस हो जाएगा, 10 का गुणा 200 में करेंगे 2000 गुणे 10 के घाते -6। अब देखिए यहाँ 20 गुणे 10 के घाते -6 है प्लस 10 गुणे 10 के घाते -6 है, 10 के घाते -6 कॉमन लेकर भी आप सॉल्व करते हैं, दोनों को डायरेक्ट हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 20 × 10 = 30 हो जाएगा, 30 × 10⁻⁶ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से V' = कितना हो जाएगा 10⁻⁶ कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से देखिए कितना है 10000 है और ये कितना है 2000 है, ठीक है, कॉमन हमने क्या कर लिया है 10⁻⁶
बटे कितना है 30 गुणे 10 के घाते -6, 10 के घाते -6, 10 के घाते -6 से कैंसिल। अभी भी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 दो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 12,000 के बटे 30 यहाँ से कट जाएगा, इसको काटेंगे 3 6 12 यानी कि 400। तो जो भी डैश उभयनिष्ठ विभव का मान आ रहा है वह 400 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया है, इजी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 4 तथा 2 माइक्रोफेरेड की धारिता के 2 संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर तथा प्रत्येक पर आवेश। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 2 संधारित्र है, एक 4 और दूसरा 2 माइक्रोफेरेड का, इन दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एक है 2 माइक्रोफेरेड का, दूसरा है आपका 4 माइक्रोफेरेड का, और इन दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी से, इन दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये 2 माइक्रोफेरेड का है और ये क्या है, 4 माइक्रोफेरेड का। ठीक, अभी क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर। तो देखिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर जो विभवांतर होगा वह समान होगा, जितना विभव इस पर उतना ही विभव इस पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लेट समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में जो विभव होता है वह सभी संधारित्र पर समान होता है। समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर विभव का मान समान होता है। तो 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो इस पर भी 6 वोल्ट और इस पर भी 6 वोल्ट का विभव होगा। ठीक है, हम लोग लिख देंगे पहला क्वेश्चन, इसमें पहले में क्या लिखेंगे, दोनों संधारित्र पर विभव, दोनों संधारित्र का विभवांतर, दोनों संधारित्र का विभवांतर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में जो विभव होता है वह समान होता है। दूसरा इसी में पूछ रहा है कि संधारित्र पर आवेश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संधारित्र पर आवेश बताइए। तो संधारित्र पर आवेश हम लोग निकाल लेते हैं। पहले संधारित्र पर आवेश कैसे निकलेगा, चलिए मान लेते हैं पहले संधारित्र पर आवेश Q1 है, Q1 बराबर होता है C इंटू भी, यहाँ पे हो जाएगा C1 इंटू भी। देखिए भी का मान दोनों के लिए समान है 6 वोल्ट, C1 C2 अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ से Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1, C1 मतलब 2 माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलते हैं, 10 के घाते -6, भी का मान 6, यानी कि 6 का गुणा 2 में हो जाएगा 12 गुणे 10 के घाते -6, यहाँ से लिख सकते हैं 12 माइक्रो कूलाम। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर हो जाएगा C2 भी। ठीक है, तो यहाँ से Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 मतलब दूसरा संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड को फेरेड बदलने के लिए 10 के घाते -6, भी कितना है 6 वोल्ट, यहाँ से 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम कहिए, या 10 के घाते -6 को हटा देंगे तो 24 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो ये एकदम क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही इजी था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 2, 6, 12 तथा 20 माइक्रोफेरेड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट की बैटरी पर आवेशित किया गया है तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, 20 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। क्वेश्चन नंबर 50 में ढेर सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 4 संधारित्र हैं और इन चारों संधारित्र को कौन कौन से हैं, एक 2 माइक्रोफेरेड का है, एक आपका कितना है 6 माइक्रोफेरेड का है,
और तीसरा आपका 12 माइक्रोफेरेड का है, चौथा आपका 20 माइक्रोफेरेड का है। ये चारों संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। चारों संधारित्र किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है तुल्य धारिता बताइए, तो बताइए तुल्य धारिता C बराबर कितना हो जाएगा? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी C बराबर हो जाएगा 2, 6, 12, 20 को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा? 6, 2, 8, 12, 8, 20, 20, 40 माइक्रोफेरेड। तुल्य धारिता का मान कितना आ गया? 40 माइक्रोफेरेड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वह पूछ रहा है आवेश, तो कुल आवेश कैसे निकलेगा बताइए? कुल आवेश कैसे निकलेगा? कुल आवेश बराबर हो जाएगा धारिता, क्यू बराबर कितना होता है? सीधी इंटू भी, धारिता इंटू विभवांतर। कह रहा है कि इनको 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी कि जो विभव है किताब में देखिए दिया है कि 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया जाता है, यानी विभव का मान कितना दिया है? 1000 वोल्ट। तो कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा? कुल धारिता कितना है? 40 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड को फेरड बदलने के लिए 10^-6 से गुणा। विभव, विभव कितना है? 1000, ठीक है। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 40 × 1000 करेंगे तो 40,000, ठीक। यहाँ से 40,000 हो जाएगा गुणे 10^-6, ठीक है। ये कुलाम में आएगा, 10^-6 हटाएंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 40,000 माइक्रो कुलाम। ये कुल आवेश हो गया। इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि 12 माइक्रोफेरेड की धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कि 12 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना है, वाले संधारित्र पर आवेश, ठीक है। मान लेते हैं क्यूडेस आवेश है, क्यूडेस आवेश कितना हो जाएगा? C, यानी कि ये वाली धारिता लिखना है C डैश गुणे कितना हो जाएगा? V, ठीक है। तो यहाँ से Q′ = C, C का मान कितना है? 12 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड को फेरड बदलने के लिए 10^-6 से गुणा। भी कितना है? 1000 वोल्ट, ठीक है। यानी यहाँ से Q′ का जो मान होगा 12 का गुणा 1000 में होगा 12000 हो जाएगा गुणे 10^-6 कूलाम कहिए, या यहाँ से Q′ = 12000 माइक्रो कूलाम, ठीक है। Q′ का मान कितना है? 12000 माइक्रो कूलाम। एक और क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि 20 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा है, ठीक है। तो 20 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा निकालने का क्या फार्मूला है? संधारित्र की ऊर्जा, ऊर्जा निकालने का क्या फार्मूला है? U बराबर होता है 1/2 CV² यानी 1/2। C मतलब 20 माइक्रोफेरेड पे पूछ रहा है तो ये लिखेंगे तो 20 × 10^-6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू V² भी कितना दिया है? 1000 वोल्ट, यानी कि 1000 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये कटेगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ से U बराबर हो जाएगा 10 ये वाला, और ये 10^-6 ये आपका 10 है, ये वाला लिख दिया 10^-6। 1000 है, 1000 को देखिए क्या लिख सकते हैं? 10^3, 10^3 का स्क्वायर, यानी U बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 10^-6 गुणे 10^3 का स्क्वायर करेंगे 10^6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी U बराबर 10 जूल होएगा, ठीक है। तो 20 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर जो ऊर्जा संचित होगी वह 10 जूल होगी। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी तो बहुत ही है, आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता है 4 तथा 12 माइक्रोफेरेड है 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आपका 51 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 51 कह रहा है कि दो संधारित्र है, पहला संधारित्र दिया है 4 माइक्रोफेरेड और दूसरा संधारित्र दिया है 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 4 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड के संधारित्र हैं और ये दोनों 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए, ये प्लस है, ये आपका क्या है, माइनस है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि प्रभावी धारिता यानी कि तुल्य धारिता निकालिए, तो तुल्य धारिता कैसे निकलेगी, तुल्य धारिता बताइए श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता कैसे निकलती है, 1 upon C = 1 upon C1 + 1 upon C2 मतलब पहली कितना है 4, C2 मतलब दूसरा संधारित्र, LCM ले लेते हैं 12 हो जाएगा, 4 + 3 = 12 यानी 3 + 1, यहाँ से 1 upon C = कितना हो जाएगा 4/12 कैंसल हो जाएगा 1/3 यानी C का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3 माइक्रोफेरेड आएगा, ठीक है। यानी जो तुल्य धारिता है वो कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड है। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो देखिए जितना आवेश इस संधारित्र पर होगा उतना ही आवेश इस संधारित्र पर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में आवेश जो होता है सभी संधारित्र पर, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, सब पर समान होता है। तो यहाँ 2 संधारित्र है तो दोनों पर आवेश समान है, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आवेश कितना हो जाएगा दोनों संधारित्रों पर, आवेश Q = C × V, यहाँ से Q का मान कितना, C का मान अभी निकाला 3 माइक्रोफेरेड यानी 3×10⁻⁶ फेरेड हो जाएगा। उसके बाद भी जो विभव है वह 120 वोल्ट है, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा, यहाँ से 12 × 36 360×10⁻⁶ कूलाम कहिए, या Q बराबर आप कह सकते हैं 360 माइक्रो कूलाम, ठीक है, 360 माइक्रो कूलाम कहिए, चाहे 360×10⁻⁶ कूलाम कहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है विभवांतर, देखिए इसका विभव और इसका विभव दोनों संधारित्रों का विभव अलग अलग हुआ, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो विभव होता है वह सभी संधारित्रों का अलग अलग होता है। तो हम पहले संधारित्र पर निकाल लेते हैं, मान लेते हैं पहले संधारित्र का जो विभव है वह V1 है, तो V बराबर क्या होता है Q/C, यानी कि आवेश तो दोनों पे समान होगा, Q ही रहने देते हैं, लेकिन C धारिता अलग अलग है तो C1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से V1 बराबर Q मतलब आवेश, आवेश हमने निकाला 360×10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा, माइक्रो कूलाम था कूलाम में बदला 10⁻⁶ से गुणा, बटे C1 मतलब पहले वाली की धारिता, यहाँ पे 4×10⁻⁶, ये 10⁻⁶ कहाँ से आया, माइक्रोफेरड में था, फेरड में बदलने के लिए 10⁻⁶ से गुणा, ये इससे कैंसल, यहाँ पे 4×9=36 यानी कि जो V1 होगा वह 90 वोल्ट, पहले वाले संधारित्र की जो आपका विभवांतर होगा वह 90 वोल्ट होगा। इसी प्रकार से हम लोग V2 निकालते हैं, ठीक है, V2 कितना हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा Q/C2, क्यू मतलब आपका आवेश, आवेश दोनों पे समान है जिसका मान कितना है 360×10⁻⁶ कूलाम, ठीक है, बटे C2 धारिता कितनी है 12×10⁻⁶ कर जाएगा, 12×36 = 30, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो V2 का मान आएगा वह 30 माइक्रो कूलाम आएगा, सॉरी 30 वोल्ट आएगा। तो पहले वाले संधारित्र का जो विभवांतर है 90 वोल्ट, दूसरे वाले संधारित्र का जो विभवांतर है 30 वोल्ट, संधारित्र पर जो आवेश है वह 360 माइक्रो कूलाम है, संधारित्र की तुल्य धारिता कितनी है वह 3 माइक्रोफेरेड है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सॉरी 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफेरेड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है, दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ा है,
प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि दो संधारित्र हैं, ठीक है, एक संधारित्र की पहली प्लेट को, यहाँ पे मान लेते हैं ए है, इसको पहले वाली प्लेट को 1000 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए क्या कह रहा है कि दो संधारित्र हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दो संधारित्र हैं और दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि जो पहले संधारित्र की ये वाली प्लेट है, ठीक है, बाहर वाली प्लेट, यह 1000 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है, ठीक है, 1000 वोल्ट की बैटरी से, और दूसरे संधारित्र की जो बाहरी वाली प्लेट है उसको पृथ्वी से जोड़ा गया है, ठीक है, इसको, इस वाले प्लेट को 1000 वोल्ट की बैटरी से और इस वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। सपोज करते हैं यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे क्या है सी है, ठीक है, यह देखिए बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, यानी बिंदु बी का जो विभव होगा, बिंदु बी का जो विभव होगा वह शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। बिंदु ए का जो विभव है, बिंदु ए का विभव जो है वह 1000 वोल्ट है, ठीक है, बिंदु ए का विभव कितना है, 1000 वोल्ट है, दिया है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, इस संधारित्र पर कितना आवेश होगा, इस संधारित्र पर कितना आवेश होगा, ये निकालिए। तो दोनों संधारित्रों पर आवेश समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं। तो सबसे पहले ये दिया है आपका 2 माइक्रोफेरड और ये दिया है 3 माइक्रोफेरड। आवेश निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता कैसे निकलेगी, दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, यानी कि 1/C = 1/C1 + 1/C2। यहाँ से 1/C = 1/C1 यानी कि 1/2 + 1/3, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 3 × 6 = 2 हो जाएगा। यहाँ से 1/C = 5/6 यानी C = 6/5 हो जाएगा। भाग दे देते हैं, C = 5 × 5 = 1.2 माइक्रोफेरड यानी कि तुल्य धारिता कितनी आ गई, 1.2 माइक्रोफेरड। आपसे पूछ रहा है दोनों संधारित्रों पर आवेश, ठीक है, दोनों संधारित्रों पर आवेश, तो आवेश तो दोनों पे क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो मान लेते हैं क्यू, क्यू बराबर होता है C × V, यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा सी, सी का मान कितना आया है, 1.2 माइक्रोफेरड, ठीक है, माइक्रोफेरड को फेरड बदलने के लिए 10^-6 से उड़ा। भी 1000 वोल्ट में से, यहाँ पे जीरो है, 1000 वोल्ट में से जीरो घटाएंगे तो 1000 वोल्ट ही आएगा, यानी कि 1000, ठीक है। यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1.2 को 1.2 लिखते हैं, 10^-6 है, ये 1000 है, क्या हो सकता है, 10^-3। तो यहाँ से Q बराबर आपका हो जाएगा 1.2 × 10^-3 कूलम, ठीक है। तो संधारित्र पर जो आवेश है वह इतना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि भीतरी प्लेट, भीतरी प्लेट मतलब ये जो अंदर वाली प्लेटें हैं इसका विभव। तो सपोज करते हैं हमें बिंदु सी का विभव निकालना है। देखिए भीतरी प्लेट माने इनका विभव, तो इनका विभव मतलब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो इनका विभव कैसे निकालना है वो देखिए, हम कह रहे हैं कि जो ये पहला वाला संधारित्र लगा हुआ है इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है, यानी कि VA - VC निकाल रहे हैं, पहले वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। तो होता क्या है, Q/C1 हो जाएगा, पहले वाले संधारित्र के तो C1, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग निकाल लेते हैं, VA बिंदु A का विभव दिया है कितना है, 1000 वोल्ट, तो 1000 वोल्ट लिख देते हैं, -VC लिख दिया। Q का मान देखिए यहाँ पे है 1.2 × 10^-3 C1, मतलब धारिता, धारिता कितना है 2, तो 2 × 10^-6 हो जाएगा।
ये देखिए इससे कैंसल हो जाएगा 0.6, 10 के घाते -6 है, ऊपर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। 1000 वोल्ट माइनस बी सी इज इक्वल टू 0.6 गुणे 10 के घाते -3, ये वाला +6 हो जाएगा, ये -6 है ऊपर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 वोल्ट माइनस वी सी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 0.6 गुणे 10 के घाते 3 हो जाएगा। 10 के घाते 3 मतलब 1000, 10 के घाते 3 मतलब कितना है 1000 होता है, तो 1000 का गुणा 0.6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। यहाँ से 1000 प्लस में है या माइनस वी सी है उधर चला जाएगा तो प्लस वी सी, 600 इधर आएगा तो -600। ये देखिए माइनस वी सी था उधर चला गया, प्लस वी सी हो गया। ठीक है, तो पहले इसको ही लिख दिया, इधर 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट रहने देते हैं, 600 इधर प्लस में था इधर आएगा तो -600 हो जाएगा, यानी कि जो वी सी है वह 400 वोल्ट आ रहा है, बिंदु सी का जो विभव है वह 400 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आई होप आपको अच्छे से समझ में ये भी आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकुलाम का आवेश आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकुलाम का आवेश आ जाता है। तेल का प्रवैधता तथा तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, एक संधारित्र है, उस संधारित्र को 20 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ रहे हैं तो जो संधारित्र है उस पर जो आवेश आ रहा है वह कितना आ रहा है, 30 माइक्रोकुलाम का आ रहा है। यानी कि जो पहला संधारित्र है उस पर आवेश Q1 का मान कितना दिया है, 30 माइक्रोकुलाम। यह जो संधारित्र है वह कहां रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है। ठीक है, एक संधारित्र है वह वायु में रखा हुआ है, उसको 20 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ा तो उस पर जो आवेश आया वह 30 माइक्रोकुलाम आया। उसके बाद कह रहा है कि उसी संधारित्र को जब तेल में रख देते हैं, ठीक है, उनकी प्लेटों के बीच जब तेल भर देते हैं तब उसका जो आवेश है, ठीक है, तब उस पर जो आवेश है वह 75 माइक्रोकुलाम हो जाता है, या फिर हम लोग कह देते हैं यह क्यू इन एयर, ठीक है, क्यू एयर में वायु में कितना है, 30 माइक्रोकुलाम। अब क्यू ऑयल, ऑयल मतलब तेल में जो आवेश, जब प्लेटों में हमने तेल भर दिया तब जो क्यू है उसका मान है 75 माइक्रोकुलाम। पूछ रहा है कि तेल का प्रवैधतांक बताइए, और एक पूछ रहा है क्वेश्चन तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तेल का प्रवैधतांक, तो हमने एक क्वेश्चन समीकरण पढ़ा था C इज इक्वल टू के सी नॉट, पढ़ा था कि नहीं, C क्या है, जब माध्यम हो उस समय धारिता, C क्या है, माध्यम में संधारित्र की धारिता, C नॉट क्या है, C नॉट है वायु अथवा निर्वात में संधारित्र की धारिता, K क्या है, माध्यम का प्रवैधतांक। यहां से K का मान हम लोग निकाल लेते हैं, C के बटे क्या हो जाता है, C नॉट। ठीक है, K बराबर कितना हो जाएगा, C मतलब धारिता, धारिता किस अवस्था में, धारिता किस अवस्था में, C है, C मतलब माध्यम वाले में, तो C बराबर होता क्या है, Q अपॉन V, तो Q का जो मान रखेंगे, देखिए V यहाँ पे जो दिया है, V जो दिया है वह 20 वोल्ट दिया है, शुरुआत में ही देख लीजिए। ठीक है, C, अब C यहाँ पे जो C हमने यूज़ किया है वह माध्यम के लिए, माध्यम कौन सा है, ऑयल है। ठीक है, तो इस C का मान यहाँ से रख रहे हैं तो Q ऑयल के बटे V के बटे कितना हो जाएगा बताइए, C नॉट, C नॉट इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, Q एयर के बटे भी, तो ये भी इस भी से क्या हो जाएगा, कैंसर। C था माध्यम के लिए, जो माध्यम था वो ऑयली था, तो यहाँ से Q ऑयल रख दिया, फिर C नॉट है एयर के लिए, ये ऑयल मत समझिएगा, C डैश यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इसको रहने देते हैं, C डैश कर देते हैं, C डैश क्या है, माध्यम के लिए है, ठीक है, सॉरी निर्वात के लिए है।
तो यहां से हम लोग ने क्या पाया, K इज इक्वल टू क्यू ऑयल के बटे क्यू एयर, ठीक है। अब मान लेते हैं क्यू ऑयल का मान कितना है, क्यू ऑयल का मान है 75 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे 10 की घात -6 से गुणा, क्यू एयर कितना है 30 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ से गुणा कर देते हैं 10 की घात -6 कैंसिल हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो जो k का मान आ रहा है वह कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। यानी कि जो प्रवैधतांक है वह कितना है 2.5 है। अभी एक और क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि तेल जब भर रहे हैं तो उस समय उसमें कितनी ऊर्जा है, तो ऊर्जा का हमने एक फार्मूला पढ़ा था हाफ क्यू भी, जो क्यू है वह कह रहा है जब तेल भर रहे हैं तब ऊर्जा निकालना है तो आयल वाला क्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यू बराबर 1/2 क्यू आयल वाला कितना है 75 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से गुणा, भी मतलब विभव 20 वोल्ट, इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यू का जो मान आएगा ये कितना हो जाएगा 75 गुणे 10 के घाते -6 है, यहाँ 10 के घाते 1 है यानी 10 के घाते -5 हो जाएगा, या फिर U बराबर हो जाएगा 7.5 गुणे 10 के घाते -4 जूल, ठीक है। एक अंक 0.2 साइड, 2 10 की घात में 1 प्लस में जुटेगा तो -5 है प्लस 1 है तो -4 हो जाएगा, तो जो U का मान है वह 7.5 गुणे 10 के घाते -4 जूल होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया गया। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक प्रावैद्युत भर दिया जाता है जिसका प्रावैद्युतांक 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरड है तो प्रावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 54 है वह कह रहा है कि एक संधारित्र है और उस संधारित्र का वायु अथवा निर्वात में जो धारिता दिया है वह दिया है 10 माइक्रोफेरड, ठीक है। सी नॉट का जो मान दिया है वायु अथवा निर्वात में वह 10 माइक्रोफेरड है। कह रहा है कि इसको 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया जा रहा है। इसको क्या कर रहे हैं, 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित कर रहे हैं। आवेशित करने के बाद बैटरी हटा ले रहे हैं, हटाने के बाद कह रहा है कि एक प्रावैद्युत पदार्थ में इस वाले को हम लोग संधारित्र को रख दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा कि एक संधारित्र है जिसका वायु अथवा निर्वात में धारिता है 10 माइक्रोफेरड, इसको 5 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जा रहा है। आवेशित करने के बाद हमने बैटरी को हटा लिया, अब हटाने के बाद जो संधारित्र है उसको हमने प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया उसमें, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जब प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया और उस प्रावैद्युत पदार्थ का जो प्रावैद्युतांक है वह 2 आपका है, तब प्रावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित है यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, संधारित्र पर आवेश कितना है, सबसे पहले क्या निकालते हैं संधारित्र पर आवेश। आवेश कैसे निकलेगा, संधारित्र पर आवेश कैसे निकलेगा, Q बराबर होता है C इंटू भी क्यू, सी का मान कितना दिया है 10 माइक्रोफेरड को फेरड बदलेंगे 10 के घाते -6 से गुणा, भी कितना है 5, यानी कि जो क्यू का मान है 10/50 गुणे 10 के घाते -6 कुलाम कहिए, या फिर क्यू बराबर आप कहिए 50 माइक्रोकुलाम। संधारित्र पर आवेश कितना है 50 माइक्रोकुलाम। उसके बाद कह रहा है कि इसको इस वाले संधारित्र में हम लोग प्रावैद्युत पदार्थ भर दे रहे हैं, उसका प्रावैद्युतांक कितना है 2 है। अब जो धारिता होगी नई धारिता यानी कि प्रावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता, पदार्थ भरने पर, ठीक है, प्रावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता, तो प्रावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू के सी जीरो होता है, ठीक है। सी के का मान दिया है 2, सी जीरो का मान दिया है 10, यानी कि सी का जो मान होगा वह 20 माइक्रोफेरेड होगा।
यानी जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो उसकी जो धारिता है वह कितनी हो गई, 20 माइक्रोफेरड हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद उसमें कितनी ऊर्जा संचित है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर के बटे सी, ऊर्जा निकालने का एक फार्मूला, सॉरी एक बटा दो रहेगा, हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी, ऊर्जा निकालने का ये फार्मूला हमने पढ़ा है। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम लोग निकालेंगे एक बटा दो क्यू स्क्वायर। क्यू का मान देखिए कितना दिया है, 50 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 के घाते माइनस 6 से गुणा, गुणा कर दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, बटे सी, सी कितना है 20 माइक्रोफेरड, 20 माइक्रोफेरड को फेरड में बदलने के लिए 10 के घाते माइनस 6 से गुणा। अब इसको हमें करना है सॉल्व, सॉल्व कैसे कर रहे हैं, एक बटा दो गुणे, यहाँ से देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे 50 गुणे 50 हो जाएगा, 10 के घाते माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 10 की माइनस 6 हो जाएगा, दो बार गुणा हो जाएगा, गुणा कर दिया, बटे कितना है 20 गुणे 10 के घाते माइनस 6, 10 के घाते माइनस 6, 10 के घाते माइनस 6 से गुणा, ठीक है। यहाँ से एक जीरो, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो यू का जो मान आएगा 50 का गुणा 5 में कर देते कितना हो जाएगा, 5 25 25 250, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 10 के घाते माइनस 6, ये वाला 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, भाग दे देते हैं u बराबर कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 1 0 4 दूनी 8, 2 और 0 यानी कि 62.5 गुणे 10 के घाते माइनस 5 6 जूल, ठीक। तो जो संधारित्र की ऊर्जा होगी कब, जब उसमें परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं, वह होगी 62.5 गुणे 10 के घाते माइनस 6 जूल, या फिर इसको एक और, ये भी आंसर है, इसको एक और लाइन में लिखना चाहे तो यू बराबर क्या लिख सकते हैं, 6.25 गुणे एक अंक दशमलव बाएं साइड, तो 10 की घात में एक कमी यानी 10 की घाते माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है जूल। तो संधारित्र पर जो ऊर्जा है वह 6.25 गुणे 10 के घाते माइनस 5 जूल होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 2 माइक्रोफेरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफेरड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, इस संयोग को 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया है, संयोग पर कुल कितना आवेश है तथा इसमें कितनी ऊर्जा संचित है। देखिए कह रहा है कि 2 आपके संधारित्र हैं, एक 2 माइक्रोफेरड का है दूसरा 4 माइक्रोफेरड का है, दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद ये देखिए 2 माइक्रोफेरड का है, ये आपका 4 माइक्रोफेरड का है, इनको कितनी वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं हम लोग 300 वोल्ट पर आवेशित कर रहे हैं, ठीक है 300 वोल्ट पर आवेशित कर रहे हैं। पूछ रहा है कि इन पर आवेश कुल कितना है वो बताइए, उसके बाद इसमें कुल कितनी ऊर्जा संचित है ये भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य धारिता, देखिए आवेश निकालने के तुल्य धारिता निकालना पड़ेगा, तो तुल्य धारिता बराबर कितना हो जाएगा, तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि C का मान, C1 मतलब पहला 2, C2 मतलब 4 दिया है, तो C बराबर हो जाएगा 6 माइक्रोफेरड। तुल्य धारिता कितनी आ गई, 6 माइक्रोफेरड। कुल आवेश निकालना है तो कुल आवेश कैसे निकलेगा आप बताइए, कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा C इंटू भी, तो यहाँ से Q का मान C, C कितना दिया है 6 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड को फेरड बदलने के लिए 10 के घाते माइनस 6 से गुणा, भी, भी मतलब विभव, विभव कितना है 300 वोल्ट, तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा 6 3 18 1800 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलाम, या फिर यहाँ से Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1800 माइक्रो कूलाम, ठीक है 1800 माइक्रो कूलाम। इसके बाद पूछ रहा है इसमें संचित कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा कैसे निकलेगा, देखिए
कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा U बराबर आपका एक फार्मूला आपने पढ़ा है हाफ सी भी स्क्वायर। तो यहाँ से U बराबर हाफ सी, सी मतलब कुल धारिता कितनी है 1800 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 के घात माइनस है, सॉरी यहाँ पे हमें धारिता रखना है, तो कुल धारिता कितना आया है 6 माइक्रोफेरेड। 6 माइक्रोफेरेड को फेरेड बदलने के लिए 10 के घात माइनस 6 से गुणा भी स्क्वायर, भी का मान कितना है 300, यानी कि 300 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दो त्याई 6 हो जाएगा। अभी क्या बचा है, U इज इक्वल टू देखिए 3 गुणे 10 के घाते माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ से 300 का स्क्वायर है यानी कि 300 गुणे 300, ठीक है, यहाँ से U बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 के घाते माइनस 6, 300 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घाते 2, 300 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घाते 2, यहाँ से U बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ये 10 के घाते माइनस 6, ये 10 के घाते प्लस 2, ये वाला भी प्लस 2, यानी कि जो U का मान आएगा वह 27 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा माइनस 4, ठीक है, सॉरी माइनस 2 हो जाएगा, या फिर U का मान यहाँ से हो जाएगा 0.27 जूल, ठीक है, 10 के घाते माइनस 2 का मतलब 100, 100 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.27 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 55 को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं, सब आपके लिए हेल्पफुल होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।